पिछले काफी टाइम से कपिल शर्मा कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में छाए रहे, कभी अपने दोस्तों से गाली गलौज करने तो कभी किसी को फोन पर अपशब्द कहने से। अब कॉमेडी किंग कपिल ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लंबे समय बाद कमबैक किया है और कुछ ऐसा कह दिया कि वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। जी हाँ, दरअसल कपिल शर्मा ने अपने दोस्तों का पंजाबी गाना शेयर किया और फैन से कहा कि वो उनसे बात करेंगे। इसके बाद जैसे ही कपिल ऑनलाइन आए, मानो ट्वीट की बौछार सी आ गई। ज्यादातर लोगों ने कपिल से वापसी की बात कही तो किसी ने कपिल से पूछा कि आप इतने समय से कहाँ थे। कपिल ने फैंस के सभी सवालों का जवाब दिया। कपिल ने कहा कि वो ट्रैवल कर रहे थे और तब तक सामने नहीं आएंगे जब तक शेप में नहीं आ जाते। इसके बाद कपिल ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे खलबली मच गई। कपिल ने फैंस से बात करने के बाद ट्वीट किया कि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बता दें कि कपिल लंबे समय से सोशल मीडिया से दूर हैं। कपिल उस वक्त विवादों में आ गए थे जब उन्होंने हिचकी फिल्म का प्रमोशन करने आए रानी मुखर्जी को घंटों इंतजार कराया और फिर शूट कैंसिल कर दिया था। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।